हेलो दोस्तों, मैं हूँ गार्गी और आप देख रहे हैं जेवीटी न्यूज़, जहाँ पे हम आपको नई नई चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो आज हम सीपी में मौजूद हैं और लोगों से जानेंगे, 2022 खत्म होने वाली है, लोगों से ही जानते हैं उनकी क्या क्या चीज़ें वो करेंगे और रेजोल्यूशन क्या क्या लेंगे। चलिए लोगों से बात करते हैं। नया साल आने वाला है तो उसके लिए कुछ तैयारी की है आप लोगों ने? बिल्कुल जी, जैसे कि आज मेरे अपने बच्चे हैं, मेरा छुट्टी पर है, सेलिब्रेशन है आज, तो मैं इनको चाहता हूँ कि नए साल वाले दिन मैं अपने इनको किसी आउट ऑफ दिल्ली स्टेशन पर लेके जाऊँ और इस कोरोना के साथ मास्क वास्क की थोड़ी सी उसको मानते हुए हम इसको फॉलो करें और अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। जी, तो नए साल में कोई रेजोल्यूशन है क्या? अपने जिम की ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमने भी जिम सेलिब्रेशन है हमारा। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल, मतलब कि आते ही नई नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। किसी लव्ड वन को मैसेज देना चाहेंगे कुछ? जी, अपने फ्रेंड्स सब, बस यही सारे, अपना प्यार मोहब्बत हम यही है बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोगों से जानते हैं कि नया साल आने वाला है, क्या कुछ करेंगे वो, आपसे जानना चाहेंगे। नया साल आने वाला है तो 31st को आप पार्टी करेंगे या 1 तारीख को करेंगे और किसके साथ करेंगे? वैसे तो मैम, एक्चुअली आई एम बेसिकली फ्रॉम लखनऊ, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम कम्प्लीटिंग माई MBBS फ्रॉम मॉस्को, राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। न्यू ईयर पे यही है कि कोविड के भी केसेस काफ़ी मिल रहे हैं चाइना में, वैसे भी तो थोड़ा सा लोग अवेयर रहे इन सब चीज़ों से, अपने हेल्थ को भी लेके अवेयर रहें। और न्यू ईयर में रेजोल्यूशन यही है कि अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप वक्त बिताएँ। कोविड जैसे पेंडेमिक से देश अपना गुजरा है, तो आने वाला जो साल हो सबके लिए बेहतर हो, सब लोग खुश रहें और अपने फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएं, अपने लिए नए रेजोल्यूशन तैयार करें, उसको फॉलो करें, अपने हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, सबके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के। चलिए, हमने कुछ लोगों से तो जान लिया वो कैसे बनाएंगे और कैसे सोसाइटी को भी चेंजेस लाना चाहते हैं सोसाइटी में, कुछ और लोगों से जानते हैं कि नए साल का क्या रेजोल्यूशन है और क्या कुछ वो करना चाहते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे नए साल में आप क्या कुछ रेजोल्यूशन लेना चाह रही हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है तो पार्टी वगैरह आप बाहर से आए तो इंजॉय करने के लिए आए। तो आप यहाँ पे नहीं रहती हैं? अच्छा, आप मतलब कि कहीं यूपी के? तो यहाँ पे आप कुछ स्पेशल, आप लोगों ने कुछ डिसाइड किया कि आज इंजॉय करेंगे ऐसे? हाँ, क्लब जा रहे हैं। ओके, तो 31st को आप नहीं कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि हमारी कल की फ्लाइट है। ओके, आप उससे पहले ही दिल्ली में सेलिब्रेट करके जाना चाहती हैं। किसी लव्ड वंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? लव को तो नहीं, हस्बैंड को कहना चाहते कि अच्छा रहे साल, तो सभी का रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपसे हम रूबरू कराते हैं और एक मैम की। मैम, हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है तो आपने कुछ डिसाइड किया है कि कैसे सेलिब्रेट करना है? हाँ जी बिल्कुल, अभी मेरी प्लानिंग है मेरे फैमिली के साथ में वैष्णो देवी पे ट्रिप के जाने की, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। तो कुछ नया रेजोल्यूशन कुछ आप लेना चाहते हैं इस साल? इस साल रेजोल्यूशन बस यही रेजोल्यूशन लूँगी कि हाँ, जो भी काम करूँ बहुत अच्छे से करूँ, किसी का कोई हार्म ना करूँ और अच्छी वाली नियत से करूँ। जी बिल्कुल, बहुत सारा। और किसी को जो आपसे दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, तो किसी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे से तो कोई भी दूर नहीं है, समझा मैं रहती हूँ ना, मेरे आस पास ही सारे रिलेटिव और मेरी फैमिली रहती है। चलिए, आप इंजॉय कीजिए, वैष्णो देवी जाइए, हम सबके लिए भी प्रार्थना कीजिए। बिल्कुल, डेफिनेटली करूँगी मैं आपके लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ऐसे ही और लोगों से भी जुड़ते हैं, देखते हैं कि यंग जनरेशन जो है वो क्या करना चाह रहे हैं नए साल में, और बहुत सारे लोग अभी भी बहुत एक्साइटेड हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे? दोनों दिन करोगे तो इस बार मतलब कि क्या क्या कुछ नया कुछ करोगे पार्टी, जैसे होते हैं अमूमन सभी लोग पार्टी करते हैं, डिस्क जाते, डांस करते, कुछ नया कुछ ट्राई कर रहे हो? ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो फिर ट्रैकिंग पे क्या क्या चीजें करने वाले नए, ये बताइए मुझे। पूरा ट्रैकिंग पे का पार्ट चल रहे, नया पूरा नया चीज हो रही है, नया एक्सपीरियंस है हमारे। एक्चुअली ये भी हमारा एक्सपीरियंस है, हम बॉम्बे के यहाँ के नहीं है। तो अच्छा, आप लोग बॉम्बे के हैं? का एक्सपीरियंस दिल्ली आए तो आप, हाँ तो आप लोग ठंड का मजा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि बॉम्बे में तो कोई बात नहीं, जब रात होगी तो ठंड का एहसास होगा आप लोगों को, हो जाए क्योंकि है तो नहीं हमारे ठंड तो नहीं। तो आप लोग कुछ नए साल में किसी, जैसे कि आप लोग घर वालों से दूर हैं, कुछ मम्मी को पापा को या किसी को भी लव वन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखे भी क्या फायदा, वो नहीं देखेंगे। दिल्ली में टेलीकास्ट होगा, ये ऑल ओवर इंडिया में टेलीकास्ट होगा, ऑल ओवर होगा।
कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एंड डोंट दिक्कत, हम लोग नीचे आके आपको फोन करेंगे, चार दिन ऐसे ही कॉल नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो खाना भेजा सब करना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये यंग जनरेशन है जो न्यू ईयर मनाने के लिए ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं ट्राई, तो ऐसे ही और लोगों से भी जानते हैं कि क्या कुछ नया करेंगे और क्या कुछ इस साल कुछ सोच रखा है कि इस साल तो करना ही करना है, तो चलिए उसी लिए जुड़ते हैं और लोगों के साथ। दिल्ली दिल वालों की है, ठीक है, नए साल का जश्न कुछ ऐसा होना चाहिए कि दिल खोल के और फ्रीडम होना चाहिए पूरी तरह से, जिस तरह से दिन में सेफ है ना उस तरह से रात में भी सेफ होना चाहिए हम लोग। हाँ, उसके लिए तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम सेफ रहे, हम ऐसे कुछ 1:15 तक रात को अगर मेट्रो चल रही है तो उस तरह से माहौल भी होना चाहिए, उस तरह से क्राउड भी होना चाहिए जिस तरह से दिन में है। आप अपने किसी लव्ड वन को कोई मैसेज देना चाहेंगे, किसी जो घर से दूर है, आपसे दूर है, उनको कुछ न्यू ईयर में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? गालिब की 2 लाइनें शेयर अर्ज करना चाहूँगा कि खुदा से एक फरियाद बाकी है, प्यार जिंदा है, याद बाकी है, मौत आए तो कहना लौट जाए क्योंकि अभी किसी से एक मुलाकात बाकी है। बहुत बढ़िया, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखा आप लोगों ने, हर किसी का तरीका अलग है 2023 के स्वागत के लिए, कोई समाज में जो चीज़ें चल रही, इश्यूज़ चल रही है उस पर बात कर रहे हैं, उस पर सुधार की बात कर रहे हैं, कोई ट्रैकिंग पे जा रहा है और कोई वैष्णो देवी जा रहा है कि शुरुआत अच्छी हो माँ के आशीर्वाद से। तो आप किस तरह से बनाएंगे ये आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं इस शो के माध्यम से। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।